भारत का सम्मान शिखर पर पहुंच गया है। दुनिया भर के अहम अखबारों में चंद्रयान 3 की कामयाबी की खबर हेडलाइंस बनी हुई है। चंद्रयान 3 की कामयाबी की अहमियत समझाने वाली ये इंटरनेशनल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बुधवार की शाम जैसे ही चांद की सतह पर विक्रम लैंडर के लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू हुई, पूरी दुनिया की निगाहें इसरो सेंटर पर टिकी हुई थी। चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग होने पर पूरी दुनिया इसरो को देख रही थी। सभी जानना चाहते थे कि आखिर इस बार क्या होगा, लेकिन जैसे ही विक्रम लैंडर चांद की सतह पर सफलतापूर्वक उतर गया, तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। और पूरी दुनिया ने एक बार फिर से भारत का लोहा माना, और सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में इस कामयाबी का जश्न मनाया गया और विदेशी अखबारों में भी इस सफलता की खबर खूब छपी। बुधवार की शाम जब ये प्रक्रिया चल रही थी, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका में थे और उन्होंने भी इस ऐतिहासिक सफलता को लाइव देखा, और जैसे ही ये प्रक्रिया पूरी हो गई, उन्होंने तिरंगा लहराया। ये वो पल था जब भारत ने एक बार फिर से पूरी दुनिया के सामने अपनी ताकत का लोहा मनवाया। अंतरिक्ष में तो भारत पहले से ही अपनी जगह बना चुका है, और अब चांद पर पहुंचकर भी भारतीय वैज्ञानिकों ने अपना दम दुनिया को दिखा दिया। और देखते ही देखते इस सफलता पर पूरी दुनिया से बधाई संदेश का सिलसिला भी शुरू हो गया। दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स देशों के सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी को चंद्रयान 3 की सफलता पर दुनिया भर के नेताओं ने बधाई दी। इस दौरान की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रात्रि भोज में विश्व के कई नेताओं ने चंद्रयान 3 की सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। मैं यहाँ कल से अनुभव कर रहा हूँ, हर किसी से बधाइयां मिल रही हैं, और दुनिया भर में भी इस सफलता को एक देश की सीमित सफलता के रूप में नहीं, लेकिन पूरी मानव जाति की एक महत्वपूर्ण सफलता के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। ये हम सभी लोगों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है, और भारत के वैज्ञानिकों को पूरे विश्व की तरफ से अभिनंदन का अवसर है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने हिंदुस्तान के दमखम का लोहा माना। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत की प्रभावशाली प्रगति को दर्शाता है। भारत की इस कामयाबी पर अमेरिका से भी बधाई संदेश आया। अमेरिका के विदेश विभाग ने भारत को मिली इस सफलता पर हिंदी में बधाई दी। अमेरिकी सरकार, इंडिया, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो और इंडिया के लोगों को चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम के चांद की सतह पर कामयाबी से उतरने पर दिल से बधाई देती है। इस कामयाबी से इंडिया चांद पर एक खलाई जहाज उतरने वाला चौथा और चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष ने भी चंद्रयान 3 की सफलता पर भारत को बधाई दी। The president congratulates India. Obviously, it was within the OPGA office. Many of the Indian colleagues were celebrating that achievement. यानी साफ है कि चंद्रयान 3 की सफलता भारत के लिए तो अहम थी ही, साथ ही इस मिशन के सफल होने से उन देशों को भी उम्मीदें बढ़ गई हैं जिनके भारत के साथ दोस्ताना रिश्ते हैं, और अब वो भी चांद के सफर पर निकल चुके हिंदुस्तान के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं।